नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फर्स्ट पोस्ट में। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो और आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, घर बैठे एक मिनट के अंदर मोबाइल के सारे प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। प्रॉब्लम जैसे हो गया, अगर आपके मोबाइल में बैटरी काफी जल्दी डाउन हो रहा है, इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है, अगर हम मोबाइल में गेम खेल रहे हो, ऐसे में गेम लैग कर रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है, मोबाइल काफी जल्दी गर्म हो रहा है, उन सारे प्रॉब्लम को, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो मोबाइल में, घर बैठे एक मिनट के अंदर ठीक कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, बस दो सेटिंग करके मोबाइल में। अगर आप जानना चाहते हो वो दो सेटिंग क्या है जिससे मोबाइल के सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर सको, सब कुछ जानने के लिए जरूर वीडियो को शुरू से आकर तक देखिए। चलिए ज्यादा टाइम ना वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए एंड्रॉइड ट्रिक्स। दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट लिखकर जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, घर बैठे एक मिनट के अंदर सारे प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो, बस दो सेटिंग मोबाइल में करके। पहला सेटिंग और उस सेटिंग को करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको और ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये परमिशन अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा वही सेटिंग आपको फॉलो करना है, फिर आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रेट फीचर्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रिपेयर सिस्टम, रिपेयर सिस्टम के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए स्कैनिंग सिस्टम और यहाँ पर यह प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको कुछ मिनट वेट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से आपको बैक नहीं करना, यहाँ पर वेट कीजिए जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये प्रोसेस 4 मिनट लगा और यहाँ पर देखिए फिक्स सिस्टम और यहाँ पर ये पूरा 100% होगा, फिर यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर फिक्सिंग फाइल सिस्टम ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले प्रोसेस के लिए 5 मिनट वेट किया, यहाँ पर फिर से आपको 5 मिनट 6 मिनट वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ से ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होगा, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखिए यूजेस, इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, यहाँ पर ये कम्प्लीटली स्कैन करेगा और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगा आपके मोबाइल में ये फिक्स कर रहा है। सो यहाँ से बैक नहीं करना है आपको, यहाँ पर वेट करना होगा। सो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए रिपेयर कंप्लीट, प्लीज रिस्टार्ट योर फोन। सो यहाँ से आपको एक बार फोन को रिस्टार्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर आपको कुछ मिनट लगेगा, सो बैक नहीं करना है, फिर यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये फिर से फ्रीक्वेंसी देखेगा और यहाँ पर एक बार आपको ये फोन रिस्टार्ट करना होगा। सो एक बार यहाँ से हम फोन को रिस्टार्ट कर लेते हैं। रिपेयर कंप्लीट होने के बाद एक बार जरूर से फोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने फोन को रिस्टार्ट कर लिया है। रिस्टार्ट करने के बाद फिर से एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और यहाँ पर देखिए फोन स्टार्टिंग और यहाँ से एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद और यहाँ पर देखिए रिपेयर सिस्टम ये कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर देखिए फोन बूस्ट, अगर आपका फोन काफी स्लो हो रहा है, यहाँ पर फोन बूस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फोन को काफी फास्ट कर सकते हो। सीपीयू कूलर, अगर आपका मोबाइल काफी गर्म हो रहा है, सीपीयू कूलर के ऊपर क्लिक कीजिए और ये आपके मोबाइल को ठंडा कर देगा, कूल कर देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ से आप कूल कर सकते हो। बैटरी ऑप्टिमाइजर, यहाँ से बैटरी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बैटरी काफी लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हो, जो मैं आपको दूसरे सेटिंग में बताऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए अपडेट चेकर, यहाँ पर क्लिक करके अगर आपके मोबाइल में कोई भी अपडेट आया होगा, यहाँ से अपडेट चेक कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो। अनइंस्टॉल, यहाँ पर क्लिक करके अगर आपके मोबाइल में कुछ ऐसा एप्लीकेशन है जिसे अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर क्लिक करके उन्हें एप्लीकेशन का अनइंस्टॉल कर सकते हो। बूस्ट गेम, यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर हम मोबाइल में कोई भी गेम खेलते हो यहाँ से बूस्ट कर सकते हो। ये प्लस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं BGMI खेलता हूँ, यहाँ पर देखिए प्लस आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर स्कैन फॉर गेम, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए और यहाँ पर ये एड हो जाएगा। फिर 60% तक आपका गेम इनहेंस हो जाएगा, लैग नहीं करेगा। CPU इन्फो, यहाँ से ये चेक कर सकते हो। स्पीड टेस्ट, यहाँ से इंटरनेट स्पीड टेस्ट चेक कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, दूसरा सेटिंग और ये सेटिंग आपके बैटरी और इंटरनेट से रिलेटेड है।
यहाँ पर जैसे कि आपने रिपेयर सिस्टम किया, आपकी जो इंटरनेट है वो काफी फास्ट हो जाएगा, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, ओवरऑल आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ठीक हो जाएंगे। दूसरा सेटिंग, इसके लिए यहाँ पर ये डायलर ओपन कीजिए और ये सेटिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशन में जो सेटिंग मैंने आपको बताया यहाँ पर वो सेटिंग एक दूसरे से कनेक्ट है और यहाँ पर आपको एक सीक्रेट कोड डायल करना है। कोड क्या है? *H, यहाँ पर डायल कीजिए *H0228H और ये डायल करने के बाद यहाँ पर देखिए बैटरी स्टेटस और यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है क्विक स्टार्ट और यहाँ पर क्विक स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपका मोबाइल एक बार यहाँ पर स्विच ऑफ होके ऑन होगा। लेकिन ये क्विक स्टार्ट पे आपको क्लिक क्यों करना है? देखिए आपके मोबाइल में जो फ्यूल गेज है यानी बैटरी में जो फ्यूल गेज है आपके मोबाइल में यहाँ पर 60% चार्ज होगा एक्चुअल में, लेकिन आपको दिखाएगा 100% चार्ज है। अगर आपके मोबाइल में 30% चार्ज होगा यहाँ पर दिखाएगा नहीं 70% चार्ज है। जो चार्जिंग परसेंटेज होता है वो गलत दिखाता है, सो यहाँ पर उसे ठीक करने के लिए क्विक स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये वार्निंग आएगा, यहाँ पर इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हो सकता है आपका मोबाइल यहाँ पर एक बार स्विच ऑफ होके ऑन हो, जो मेरा मोबाइल यहाँ पर स्विच ऑफ नहीं हुआ। अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है आपको यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, कंपनी ने खुद ये सेटिंग दिया है ताकि यहाँ पर ये सेटिंग आप कर सको। सो ये कोड बस आपको डालना है। कोड क्या है? *H0228H। डिस्क्रिप्शन में आपको कोड और एप्लीकेशन दोनों के लिंक दे दूंगा। इतना करने के बाद फोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए और यकीन मानिए आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, बैटरी जल्दी खत्म नहीं होंगे, इंटरनेट सही से चलेगा, लैग नहीं करेगा, हीटिंग इश्यू नहीं होगा, सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से घर बैठे एक मिनट के अंदर सारे प्रॉब्लम को मोबाइल में ठीक कर सकते हो। जरूर से एक बार एप्लीकेशन को ट्राई कीजिए और आपको फर्क नजर आएगा और दूसरा जो सेटिंग है उसे भी आपको जरूर से करना, तभी आप बैटरी में ये फर्क आपको नजर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आपके नीचे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।